Hey guys, welcome back to today's vlog. आज है बुध पूर्णिमा की छुट्टी, इसीलिए अभी मुझे उठते उठते 10 बज गए और मम्मी ने उठाया कि नाश्ता नहीं करना क्या। इधर नाश्ता बन के रेडी हो चुका है और मम्मी का फास्ट है पूर्णिमा का। तो गाइज अभी बज रहे हैं 12 और मैं बना रही हूँ सबके लिए नींबू पानी। तो जल्दी से बना देती हूँ, मैंने पानी ले लिया, उसमें बना देती हूँ नींबू पानी जल्दी से। मैं ठंडे पानी में बना रही थी अपने भाई के और मम्मी के लिए, और पापा अपना गर्म पानी में बना रहे थे, मतलब थोड़े गर्म में निवाए से बना रहे थे और नींबू निचोड़ते हुए तोड़ दिया। देखो इससे नींबू तो वैसे भी नहीं निचोड़ता था, आज पापा ने जान लगा के देखी तो ये टूट ही गया। गाइस मेरा नींबू पानी बन के रेडी हो चुका है। इसका कलर आप लोग थोड़ा अजीब लग रहा होगा क्योंकि मैंने टेस्ट के लिए थोड़ा रोबजा भी मिला दिया था इसमें। तो आराम से ऐड के पीते हैं, उसके बाद कल जो काम रह गया था अधूरा उसको कर लेंगे। आज मम्मी का फास्ट है तो मम्मी के नींबू पानी में मैंने क्या नहीं मिलाया, नमक, हाँ नमक नहीं मिलाया, बाकी बस नींबू और चीनी मिलाई है और नमक अपने में और भाई के में मिला लिया, और पापा ने तो अपना अलग गर्म पिया ही था। अभी बज रहे हैं 1 और मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ, देखते हैं कितनी देर तक करती हूँ मैं आज। कल तो बस 1 ही घंटा की थी। मम्मी ने मुझे खाने के लिए बुला लिया है कि खाना खा ले, और इधर मैं खाना बना रही हूँ, तैयारी कर रही हूँ, और आज तो सलाद भी खाने के साथ ही है, पहले नहीं खाई। इसको देखो शायद किसी ने इसका फोन ले लिया तो अभी टैबलेट वाला हुआ है, किसी ने नहीं लिया होगा, चार्जिंग वार्जिंग पे लगा लिया होगा बैटरी। मम्मी कह रही है चार्जिंग पे लगा रखा होगा इसलिए टैबलेट में घुसा हुआ है। और मेरी पढ़ाई भी अभी कंप्लीट नहीं हुई है, बीच में से मम्मी ने बुला लिया खाना खाने के लिए, तो अभी हम इंतज़ार करते हैं, खाना तो अभी बना ही है। तो गाइस अभी मम्मी खाना ले आई है और ये सलाद और छा भी ले आई है साथ में। आज फाइनली आपको बड़ा अच्छा दृश्य देखने को मिलने जा रहा है, फर्स्ट टाइम भाई पढ़ाई कर रहा है इधर बैठ के। मैं पहले तो पढ़ाई कर रही थी और मुझे हटा दिया, तो मैं उधर जाके एसी में पढ़ाई करने लगी क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है आजकल, तो उधर एसी चला लिया और वहाँ बैठ के आराम से पढ़ाई की। इसने मेरी स्ट्रेट टेबल छीन ली थी। तो गाइस इधर भाई ने चला रखे हैं गाने, इसलिए मैं इधर आके बोल रही हूँ। इस टाइम गाने इसलिए चला रखे हैं क्योंकि आज पता नहीं हम खेलने जाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि जो हमारे पास 6 जनों के पास 6 रैकेट थे और 2 एक्स्ट्रा भी थे घर में, 8 मान लो टोटल। और इसी लॉकडाउन में हमने 4 तोड़ भी दिए, तो पता नहीं आज जाएंगे या फिर नहीं। और अभी बस 4 रैकेट बचे थे और कल एक और टूट गया, तो 3 ही बचे हैं। जो पुराना है जिसकी स्ट्रिंग्स टूटी हुई है अभी उससे काम चला रहे हैं, तो देखते हैं लॉकडाउन कब खुलेगा और कब एक रैकेट ले पाएंगे, फिर स्ट्रिंग्स डलवा पाएंगे। तो अभी आज पता नहीं जाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि कल ही उस एक जिसकी स्ट्रिंग टूटी हुई थी उस रैकेट से खेल के हम इतने परेशान हो गए थे कि आज तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा उससे खेलने का। तो अभी देखते हैं, इधर मम्मी कर रही है पूजा की तैयारी किचन में, देखो एक खीर बन रही है यहाँ पे और ये इधर का सार। आज बुध पूर्णिमा का व्रत है मम्मी का, तो इसलिए प्रसाद भी बना दिया, पूजा करनी है। तो गाइज अभी हम बैडमिंटन खेल के आ गए हैं और मम्मी ने पूजा कर ली है। आज मैं थोड़ी लेट गई थी क्योंकि मम्मी ने कहा था अकेली पूजा नहीं करूंगी तो तू भी रुक जा थोड़ी देर, तो मम्मी और मैंने यहाँ पे पूजा की। देखो मम्मी ने चौकी लगा रखी है सत्यनारायण की पूजा की, और उसके बाद मैं खेलने गई और रैकेट्स का जुगाड़ हमने कर ही लिया, जो पुराने रैकेट्स थे उनकी स्ट्रिंग को बांध लिया जिनकी कम हो रही थी या फिर साइड से हो रही थी। अब जल्दी से लॉकडाउन खुले तो हम रैकेट लाएं, और शटल भी हम जो पुरानी फेंक दी थी उनका उनसे ही काम चला रहे हैं, क्योंकि जितनी हमने इमरजेंसी में स्टोर करके रख रखी थी वो भी सारी यूज़ हो गई। अब पता नहीं जब 2 बार यूज़ कर ली फिर क्या करेंगे, 3री बार यूज़ करेंगे या फिर ढूंढेंगे कोई ऐसी जगह जहाँ से मिल जाए शटल, क्योंकि रैकेट का तो जुगाड़ कर सकते हैं बट शटल तो बिल्कुल ही टूट गई है, कैसे करेंगे। तो गाइज मैंने प्रसाद ले लिया है, देखो
खीर, कसार और इसका अपने चरणाव्रत है, और ये है शक्कर की खीर। तो सब चीज़ मैंने ले लिया और अब आराम से बैठकर खाते हैं वहाँ, और टीवी भी चल रहा है तो टीवी देखते हुए खाते हैं। और मम्मी ने फ्रीजर का ढक्कन तोड़ दिया है। मैंने कहाँ तोड़ा, पता नहीं खुद ही टूट गया। कह रही है खुद ही टूट गया, ऐसा तोड़ना होता है। तो गाइज अभी मैंने खाना भी खा लिया है, डिनर नहीं बोलूँगी बिल्कुल भी, और मम्मी का फास्ट था तो मम्मी ने आलू की सब्जी बनाई थी जीरे में छोंक के, तो वो इतनी टेस्टी बन रही थी, और साथ में बना दिए थे थोड़े पराठे, कुछ भी नहीं भरा हुआ था उनके अंदर, हल्के से बना दिए थे, तो दोनों चीज़ खा के एकदम मज़ा आ गया। और मम्मी ने तो प्रसाद भी अभी खाया है, हम तो बहुत पहले खा लिया, और ये मुझे बहुत परेशान कर रहा है बैकग्राउंड वॉइस की वजह से, इसको मैं म्यूट करके फिर बोलना चाहती थी लेकिन एकदम से आ गया, और मम्मी म्यूट नहीं करने देगी। इस बैकग्राउंड वॉइस को इग्नोर करते हुए आप लोग मेरी बात सुनो, ये है वैष्णो माता का लॉकेट, जब हम वैष्णो देवी गए थे वहाँ से लिया था, मैंने कुछ दिन पहना था और उसके बाद मैंने इसको मंदिर में रख दिया था, तो मम्मी ने कहा कि पहन ले, तो मैंने दोबारा से पहन लिया इसको आज, तो देखते हैं कितने दिनों तक चलेगा ये। अभी हमने बेडरूम में आके एसी चला लिया है, और मैं भी कर लेती हूँ थोड़ी सी पढ़ाई, और उसके बाद मैं टैबलेट और अपना ब्लूटूथ ले आती हूँ, फिर लेट के देखेंगे कुछ आराम से। जब तक उधर अम्मा टीवी देख रही है तब तक पहले एक दो टॉपिक रह गया, उसके बाद मेरा हिंदी का सारा काम कंप्लीट हो जाएगा, तो उसको करके और फिर उसके बाद मैं टैबलेट में देख लूँगी कुछ। तो पहले तो टैबलेट और ब्लूटूथ को ले आती हूँ, उसमें तो देखना है। तो आज दोपहर के यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो अभी लेके इनको उधर चलती हूँ और फिर मजे करूँगी। और मम्मी इधर मुँह धो के आ गई हैं, सारा मेकअप उतर चुका है, और इधर मम्मी का टीवी भी चल चुका है। गाइज हम लोगों को डेली 11:30 बजे जाते हैं सोते सोते, तो आज हम सोच रहे हैं कि 10 बजे ही जल्दी से सो जाते हैं, सोच तो रहे हैं बट पता नहीं लेट की नींद आएगी या फिर नहीं, ताकि हम सुबह जल्दी उठ सकें। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ओके गूगल, हम अपनी बहन को परेशान कैसे करें। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि बात ही भूलवा दे यार, हाँ जल्दी सोएंगे तो जल्दी उठेंगे, और सुबह उठ के ये कह रहा है मैं ऊपर छत पर जाके एक्सरसाइज करूंगा, तो सुबह उठ के मैं व्लॉग जरूर बनाऊंगी कि ये एक्सरसाइज करने गया या नहीं, वैसे तो नहीं जाएगा, आई एम 101% श्योर। और एसी भी फुल स्पीड में चला हुआ है, और अभी मम्मी मच्छर मार रही है रैकेट से, सारे मार देंगे बेचारे मच्छर, बद्दुआ देंगे। इसे कहते हैं रियल डर। अपने लोग के चक्कर में क्या मेरा करंट लगवाओगी? हाँ करंट तो ऐसा तो जैसे मरा जा रहे, देख ले तो गाइस फाइनली हमने मस्ती कर ली है और बहुत सारे मच्छर भी मार लिए हैं, बारी आ गई सोने की, तो आज के लिए इतना ही, ऑक्सीजन की कमी होगी। तो गाइस इनका तो ऐसे ही चलता रहेगा पूरी रात, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए बाय। तो ये क्या, अरे वो तो दिन पहला था।